देखो आपको शीट नंबर 10 इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। चाइल्ड पुल्स द रोप अटैच टू अ स्टोन विद अ फोर्स ऑफ 60। तो पहला क्वेश्चन है कि एक स्टोन को 60 न्यूटन से खींचा जा रहा है एट एन एंगल ऑफ 40 विद हॉरिजॉन्टल। तो पहला पार्ट है कि एक्स एक्सिस में फोर्स क्या लगी, एक्स कॉम्पोनेंट क्या होगा 60 कॉस 40, वाई कॉम्पोनेंट क्या होगा 60 साइन 40। आपको कॉस और साइन की 40 की वैल्यू पता नहीं है, आप ऐसे ही छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, टू बॉल्स आर रोलिंग ऑन अ फ्लैट टेबल, एक फ्लैट टेबल है, टेबल के ऊपर रोल कर सकती है हॉरिजॉन्टली बॉल्स। वन हैज द वेलोसिटी कॉम्पोनेंट वी एक्स इज इक्वल टू वन एंड वी वाई इज इक्वल टू रूट थ्री। इंस्टेड ऑफ गिविंग टोटल वेलोसिटी, आपको वो क्या दे रहा है, वो कॉम्पोनेंट्स दे रहा है। एक कॉम्पोनेंट कहाँ दे रहा है, एक्स में, और एक कहाँ दे रहा है, फाइव में। तो अगर मैं ये टेबल का टॉप व्यू दिखाऊँ आपको, ये वर्टिकल नहीं है, टेबल ऐसे है, पर मैंने फोटो ऐसे खींच के ऐसे लगा दी है। तो टॉप व्यू में ये बॉल चलती है, इसका एक्स कॉम्पोनेंट क्या है वन और वाई कॉम्पोनेंट क्या है रूट थ्री। तो ये दो वैक्टर्स उसने दे दिए कॉम्पोनेंट्स, इसका जो टोटल अगर पैरलोग्राम ड्रॉ करें तो नेट वेलोसिटी ये रही। तो एक्चुअल में बॉल ऐसे गई थी, एक्चुअल में बॉल ऐसे गई थी, इनका वेक्टर सम के लॉन्ग गई थी। तो कितने एंगल पर गई थी, इसमें मान लो थीटा वन पे गई थी, टेन थीटा वन क्या होगा दिस अपॉन दिस साइड, ये रूट थी तो ये भी रूट थी, तो टेन थीटा वन रूट थ्री बाई वन, तो एंगल क्या आएगा 60 डिग्री। तो पहली बॉल कितने एंगल पर गई थी, 60 डिग्री पे गई थी, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहाँ तक। फिर वो कह रहे हैं सेम क्वेश्चन है, एक और बॉल है उसके वेलोसिटी के कॉम्पोनेंट एक्स के वन है और वाई के वन है। तो एक्स का वन है वाई का वन है, अब इसका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम का ये रहा। अब ये बॉल कितने एंगल पे गई थी, थीटा टू पे गई थी, तो टैन थीटा टू क्या होगा दिस अपॉन दिस, तो ये वन है ये वन है, तो टैन थीटा टू वन बाई वन, एंगल क्या आएगा 45। तो एक बॉल को फेंका गया एट एन एंगल ऑफ 60 और दूसरी को फेंका गया एट एन एंगल ऑफ 45। तो दोनों बॉल्स के बीच में एंगल का सेपरेशन कितना है, 60 में से 45 को क्या कर दें माइनस, तो आंसर क्या आएगा 15 डिग्री। तो दोनों के पाथ में एंगल का क्या डिफरेंस है 15 डिग्री। तो पॉइंट क्लियर है कि कॉम्पोनेंट्स से कैसे एंगल्स निकलते हैं, तो लॉजिक समझ में आ रहा है कॉम्पोनेंट से कैसे एंगल निकलेंगे, ठीक है। ठीक है जैसे ये एक क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए एटीन शीट में ये रहा, ये क्वेश्चन करेंगे, वो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, ठीक है। वैल्यूज अलग हैं इसकी, आप ये सीखें उसमें लगाएं और अपना आंसर वेरीफाई करना। आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि एक पॉइंट है जिस पे कुछ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक फोर्स है 10 न्यूटन अलोंग नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है ना नॉर्थ ना ईस्ट, बीच में मिड पॉइंट का मतलब एंगल कितना 45। दूसरी फोर्स यहीं पे एक्ट कर रही है 5 न्यूटन नॉर्थ वेस्ट, तो एंगल कितना 45। और तीसरी फोर्स कितनी एक्ट कर रही है 15 अलोंग साउथ, ये गिवन है क्वेश्चन में। आपसे पूछेगा कि नेट फोर्स कितनी है ये बताओ, नेट फोर्स बताओ, क्लियर है। अब नेट फोर्स के लिए एक काम करना पड़ेगा कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट निकालने के दो तरीके होते हैं, पहला तो सिंपल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर लो लॉ लगाओ रिजल्टेंट, फिर तीसरा लो उसके ऊपर लॉ लगाओ रिजल्टेंट। ये मुश्किल है और थोड़ा सा लंबा भी है। इसका आसान तरीका है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हम रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम जैसे कि 10 न्यूटन की फोर्स है, इसके कॉम्पोनेंट्स बना लेते हैं। एक कॉम्पोनेंट यहाँ पर क्या आएगा 10 कॉस 45, तो यहाँ पर क्या आएगा 10 साइन 45। 5 का एक कॉम्पोनेंट 5 कॉस 45, 5 साइन 45 बना लिया। सब कुछ या x में या y में, एक्स वाई प्लेन से तो हटा देंगे इसे, कैसे ये देखो, 10 का कॉम्पोनेंट 10 cos 45, 10 sin 45, 5 का कॉम्पोनेंट 5 cos 45, 5 sin 45, ये as it is, क्लियर हो गया। इसको अगर सॉल्व करें sin 45 क्या होता है 1/√2, तो 10/√2, ऐसे ये भी 5/√2, राइट। जब मैंने कॉम्पोनेंट्स ड्रॉ कर लिए तो मैं इन वैक्टर्स से काम नहीं लूंगा,
भाई या तो इनसे काम कर लूँ या कंपोनेंट से काम कर लूँ, दो के साथ इकट्ठा नहीं हो सकता। तो ये हट जाएगा, ये बच गए, ये हट जाएगा, ये बच गए। क्लियर है यहाँ तक? अब ये बताओ, अगर दो फोर्सेस एक तरफ एक्ट करती हैं तो नेट फोर्स क्या होगी उन दोनों का एडिशन? दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में, दो फोर्सेस एक 10 न्यूटन एक 15 न्यूटन एक ही तरफ एक्ट कर रही हैं, तो नेट फोर्स में क्या करेंगे? 10 प्लस 15 25। और अगर दो फोर्सेस ऑपोजिट एक्ट कर रही हैं तो दे विल कैंसल ईच अदर। तो यही कुछ होगा, एक फोर्स है 10/√2, एक 5/√2, कहाँ? दोनों की दोनों ऊपर। तो दो वैक्टर की जगह एक वैक्टर ड्रॉ कर लो, कैसे? इन दोनों को ऐड कर दें, ऐड करके क्या आ गया? 10/√2, 5/√2, 15/√2, ओनली वन वेक्टर। कोई डाउट इसमें? बस एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया। फिर इधर आ जाओ, यहाँ पर 5 cos 45, 5/√2, ये 10/√2, ये 5/√2, ये 10/√2। तो अब कुल मिला के मेरे पास चार वेक्टर बच गए, लेफ्ट राइट ऊपर और नीचे। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। रूल क्या है? अगर दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो जैसे मान लो एक बॉडी है, एक फोर्स है 15 न्यूटन, एक फोर्स है 5 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितनी है? 15 में से 5 जाएगी तो 10। तो बॉडी की जो नेट फोर्स है वो 10 है, कहाँ? जहाँ बड़ी फोर्स है उस तरफ। ऐसे होगा, एक 10 है एक 5 है, तो नेट फोर्स क्या होगी? 10 - 5। सेम एक फोर्स राइट है एक लेफ्ट है, तो इन दोनों वेक्टर का अगर एक रिजल्टेंट निकालना है तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या करें? माइनस। तो एक नया वेक्टर आ जाएगा, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी? जहाँ बड़ा वेक्टर है, ये बड़ी वैल्यू है, तो 10/√2 में से 5/√2 अगर हम माइनस करें तो एक नया वेक्टर आ गया, 10/√2 - 5/√2। दोनों को माइनस कर लिया। अब माइनस करने के बाद डायरेक्शन इधर लेनी है या इधर लेनी है वो बड़ा वेक्टर डिसाइड करेगा। बड़ा वेक्टर राइट था तो नेट आंसर भी राइट है। क्लियर है? उसी तरीके से एक फोर्स ऊपर है 15/√2, एक नीचे है 15, तो फिर दोनों ऑपोजिट हैं, दोनों माइनस होंगी। बड़ी में से छोटी, कौन बड़ा? 15 की 15/√2, 15, तो 15 - 15/√2। डायरेक्शन कहाँ? ऊपर की नीचे? नीचे, क्योंकि बड़ी वाला वेक्टर नीचे है। ये स्टेप क्लियर है? तो इन्हें माइनस करना है, ये बड़ा है, तो नेट आंसर क्या आएगा? 15 - 15/√2। तो इनको सॉल्व किया एक वेक्टर, वर्टिकल को सॉल्व किया एक वेक्टर। अब कितने वेक्टर रह गए? टोटल दो, और दोनों वेक्टर आपस में कितने एंगल पर हैं? 90। तो 90 डिग्री पे अगर एंगल हैं तो फिर स्ट्रेट रे प्लस माइनस नहीं हो सकता, तो क्या बनाना पड़ेगा? पैरेललोग्राम, क्योंकि दो वेक्टर जब 90 पे हैं और रिजल्टेंट निकालना है तो पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम से क्या आएगा? ये और ये कितने एंगल पर है? 90। ये तो राइट एंगल है वैसे भी, ये साइड पता है, ये साइड पता है, तो पाइथागोरस लगा दो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, सॉल्व कर लेना आंसर। आपको मेथड समझ में आ गया? कुछ नहीं किया, पहले ओरिजिनल वेक्टर लो, इसके चारों तरफ कंपोनेंट लो एक्स में वाई में, सॉल्व करके कुछ ऐसा चार वेक्टर हो जाएंगे। फिर दो वेक्टर ऑपोजिट हैं माइनस करो, दो ऑपोजिट हैं माइनस करो, बड़े में से छोटा, बड़े में से छोटा, ये आंसर आ जाएगा। फिर दोनों 90 पे हैं, पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, रिजल्टेंट लो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज द आंसर, डन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक। तो इसके बेस पे जो मैंने आपको सब्जेक्टिव शीट नंबर 10 दी है, राइट, जो अभी हम सॉल्व कर रहे थे, आपने ये ट्राई करके आनी है सब्जेक्टिव शीट नंबर 10, राइट। तो सब्जेक्टिव शीट नंबर 10 के 7 क्वेश्चन हैं, 2-3 हो गए, उसके बाद आपने ट्राई करने हैं। तो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस को, एक बार मैं चाहता हूँ ट्राई ज़रूर करके आएँ, ठीक है।